शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ये दो खूबसूरत बच्चियां कौन है। ये है हमारा भविष्य, ये है विश्व का भविष्य, ये है आने वाला कल, ये है मुस्तकबिल की मुस्कुराहट, ये है भविष्य की हंसी, ये है जिनके कंधों पर आने वाली दुनिया जीती है। आज हमारी परंपराओं के अनुसार हमारा नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और हमारा नया साल हमारी इस पीढ़ी के साथ हम वाभी वाह के इस मेवाड़ स्पेशल, इस दिवाली स्पेशल, इस उदयपुर स्पेशल के इस खूबसूरत सिटी पैलेस के जनाना महल में इस पीढ़ी के साथ हमारे नए वर्ष की शुरुआत करना चाहते हैं। हमारी परंपराओं का नया वर्ष, ये आने वाली पीढ़ी की ये दो भविष्य की आशाएं, मेरे दाई और मोहलक्षिका कुमारी मेवाड़, मेरे बाई और प्राणेश्वरी कुमारी मेवाड़, टिका है कल का भविष्य हमारी इस पीढ़ी पे। आइए इनके साथ आज हम ये आशा का, विश्वास का एक दीप प्रज्वलित करें और इस दीप प्रज्वलन के साथ हमारे इस नववर्ष की शुरुआत इस ऐतिहासिक खूबसूरत सिटी पैलेस के इस जनाना महल में करें। मैं आप दोनों से, मोहलक्षिका और प्राणेश्वरी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस दीप को प्रज्वलित करें। आए आओ नवलक्षिता, जोरदार तालियां। तालियां थमनी नहीं चाहिए। ये दीप जो प्रज्वलित हुआ है, ये दीप सिर्फ आशा और विश्वास का ही नहीं है, ये दीप संभावनाओं का है, ये दीप आने वाली उस पीढ़ी का है, ये दीप कल के हिंदुस्तान का है और सारी दुनिया को ये बताने वाला है। हमारी परंपराएं जो न जाने चिरकाल से चली आ रही है, जब से ये धरती बनी, और हम हमारी परंपराओं के पोषक हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिनके लिए कला और कविता की परंपरा इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपना पूरा हृदय खोल के, पूरा दिल खोल के ये पूरा सिटी पहले समय दे दिया कि हिंदी कविता के लिए अगर कोई कार्यक्रम हो तो हम आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहेंगे। और हिंदुस्तानी टेलीविजन में पहली बार ये लोकेशन, इस पर कुछ शूट किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट और उनके ट्रस्टी मेरे अनुज, मेरे सखा, मेरे अभिन्न मित्र श्री लक्षात सिंह मेवाड़, जो हिंदी कविताओं के न केवल समर्थक है बल्कि उनके संरक्षण के लिए हमेशा आगे रहते हैं, और ये पीढ़ी जो हमें विश्वास दिलाती है कि आने वाला कल उन कविताओं का है जो आपके चेहरों पर तबस्सुम बन के खेलेगी, आने वाला कल उन अल्फाज का है जो हमें जीवन में खुशी प्रदान करेंगे, आने वाला कल उन शब्दों का है जो हमें जीवन की दिशा देगी, आने वाला कल उन काफियों का है जो जीवन को जीवन बनाएंगे, और आने वाला कल हमारा है, हिंदुस्तान का है। वाह भाई वाह। स्वागत करता हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, और ये जो मेवाड़ विशेष, दिवाली विशेष, ये जो पूरा हफ्ता है 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हम यहां पे उदयपुर में शूट कर रहे हैं। हमारे साथ वो तीन लोग मौजूद हैं। आज के इस एपिसोड की खास बात ये है कि तीनों ही वो हैं जो वाह भाई वाह के पहले 100 एपिसोड से निकल के आए और छा गए, और तीनों ही वो हैं जो अपनी अपनी प्रतिभा का बड़ा कमाल हमें दिखाते हैं, जिनके पास हुनर है। इनमें से एक तो बिल्कुल नई है लेकिन उसके पास शेर कहने की तमीज़ है, तहजीब है, और दो ऐसे हैं जो हासु को अपनी राह दिखाते हैं और अपनी अपनी राह खुद चुनना भी जानते हैं। गौरव चौहान मुलतवी देश के कवि हैं लेकिन हर विधा में वो लिखते हैं। दीपक पारिक हमारे हास्य का एक ऐसा सहज सा नाम है
जो जब कविताएं पढ़ता है तो लोगों के दिलों पर छा जाता है। और आज चूंकि मेवाड़ विशेष है तो हमारे साथ वो मेवाड़ से, भीलवाड़ से हमारे बीच में दीपक पारिक है, सतना से हमारे बीच अपूर्वा चतुर्वेदी है और इटावा के गौरव चौहान है। जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। और आइए सबसे पहले आज की शाम की शुरुआत करने के लिए बुलाना चाहता हूँ भीलवाड़ा के दीपक पारिक, जोरदार तालियों से स्वागत। मैं भीलवाड़ा से दीपक पारिक आप सबको नमस्कार करता हूं और सैलेसर का और शेमारू चैनल का बहुत बहुत आभार मुझे यहां आने का पुनः मौका दिया। एक कविता है जो आपके बीच में रख रहा हूं कि ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है। अच्छा, ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। हाय हाय, सही बात है। पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है, पैसा है तो बुढ़ापे में जवानी है, होठों की मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है, होठों की मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है, और ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हाय वाह, पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है, पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है, पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है, पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है, पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे, पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे, पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे, पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा, पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा, कितना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सधे हो, पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है, पैसा हो तो गधे को परी मिल जाती है, रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे, पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे, पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे, पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सिर में बाल नहीं है, आप टकले हो। आए, 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 आए। वाह दीपक। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में अकले हो, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सिर में बाल नहीं है, आप टकले हो, ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे, पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे, काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। आए, आए, वाह। लोग देवता कहेंगे जेब में पैसे हो। खूबसूरत हीरोइने, खूबसूरत हीरोइनें नजदीक आकर हाथ मिलाती है, पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं, पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। ये पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करवा सकते हैं, खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं, लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, पैसा खर्च करने वालों का हुआ है। वाह वाह, पैसा खर्च करने वालों का। वाह दीपक वाह। कोरोना में बिस्तर पर जब आदमी की जान लेने को अड़ा था, कोरोना बिस्तर में जब आपकी जान लेने को अड़ा था, तब आपके सिरहाने आपका भाई, आपका परिवार, आपका दोस्त खड़ा था, और पैसा पैसा बैंक में पड़ा था, पैसा बैंक में पड़ा था। बहुत बहुत आभार। क्या बात है दीपक, तुमने जीवन के यथार्थ को बिल्कुल स्पष्ट ढंग से हम सबके समक्ष रख दिया। सही बात है, अगर पैसा होगा तो आपकी इज्जत पे पत्थर नहीं उछाले जाएंगे, अगर पैसा होगा तो आपकी इज्जत पे पत्थर नहीं उछाले जाएंगे, पैसा होगा तो आप हर व्यक्ति द्वारा संभाले जाएंगे, पैसा होगा तो आप हर व्यक्ति द्वारा संभाले जाएंगे, पैसा होना इसलिए जरूरी है मेरे भाई, अगर पैसा होगा तो बुढ़ापे में घर से नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि लोग अब रिश्तों का ख्याल नहीं रखते, पैसों का ख्याल रखते हैं।
लेकिन पैसा हर चीज नहीं कर सकता। वो क्या धनी होगा जिसके पास धन है? हमारे पास तो शब्द है, और एक एक शब्द मूल्यवान है, वो अनमोल है। तो उनसे ज्यादा धनी तो हम लोग हैं जिसके पास कलम की ताकत है। और एक ऐसे रचनाकार को बुलाना चाहता हूं जो हर विधा में सिद्ध हस्त है। आओ गौरव चौहान, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। वैसे मैं देश का बहुत बड़ा कवि गौरव चौहान हूँ। अच्छा, पर अपनी पत्नी के खर्चों से परेशान हूँ। हर किसी का मुकद्दर खाली नहीं होता, हर कोई किसी दर का सवाल ही नहीं होता। कुछ हम जैसे हैं जो दुख भोग रहे हैं, हर पति शैलेश जी जैसा सौभाग्यशाली नहीं होता। तो सर, मैं अपनी पत्नी के खर्चों से परेशान हूँ, तो उससे एक अपील कर रहा हूँ। जितने पति मेरे सामने बैठे हैं वो ये गाना याद कर लें और घर पर जाकर पत्नी को सुनाएं। अच्छा। बड़ी है महंगाइयां, ओ बाबू मेरी कम है कमाइयां। बड़ी महंगाइयां, ओ बाबू मेरी कम है कमाइयां। खर्चा घटा ले मेरी जान जा, बड़ी है कमाइयां, ओ बाबू मेरी कम है कमाइयां। खर्चा घटा ले मेरी जान जा, बड़ी महंगाइयां। राशन का टेंशन है, बिजली का बिल भरूं क्या करूं समझ ना आए। सैलरी का आधा खर्चा तुम्हारे पेडिक्योर मैनिक्योर में ही चला जाए। फेशियल कराइया, फेशियल कराइया, हेयर हाइलाइटेड कराइया। खर्चा घटा ले मेरी जान जा, बड़ी महंगाइया। पड़ोसन की देखा देखी साड़ी न लाओ, पे थोड़ा तरस तो खाओ। हो सके तो साइड अपनी ख्वाहिश लगा लो, हो सके तो सस्ती नेल पॉलिश लगा लो। टेटू गुदवाइयां थ्रेडिंग कराइयां। खर्चा घटा ले मेरी जान जा, बड़ी है महंगाइयां। हो बिगड़े बजट में तू हर मंथ मायके से अपने रिश्तेदारों को बुलाए। और अगली पंक्ति, ये सर आपका भी दर्द होगा। अरे बिगड़े बजट में तू हर मंथ मायके से अपने रिश्तेदारों को बुलाए। तेरा भाई साइकिल के लायक नहीं है, मेरी बाइक पे छोरियां घुमाए। जब जब आईया कि बटुए से पैसे ही चुराइया। उसको समझा ले मेरी जान जा, बड़ी महंगाइया। ओ बाबू मेरी कम है कमाइया। खर्चा घटा ले मेरी है। जब मुस्काइयां ओ दिल को चैन दिलाइयां। ऐसी हो जाए सब लुगाइयां, बड़ी महंगाइयां। ओ बाबू मेरी कम है कमाइयां। खर्चा घटा ले मेरी जान जा, खर्चा घटा ले मेरी जान जा, खर्चा घटा ले। वाह गौरव, वाह। जो महंगाई का वर्णन तुमने किया सही बात है,
बीवियां सिर्फ खर्चे ही नहीं करती, बहुत कुछ करती है। जैसे एक पति अपनी बीवी से कहता है जरा फोटो खींचो, तो जब वो खींच रही थी बोले क्या खींचा है तुमने, इसमें कुत्ता भी आ रहा है मेरे पीछे, ये तो नहीं आना चाहिए ना। बोले इसमें तो क्या दिक्कत है, तुम फोटो डालो सोशल मीडिया पे तो लिख देना मैं आगे वाला हूं। अब बेचारे पति का तो हाल ही ऐसा है, और अब लड़की वो युवती जो इंतजार कर रही है कि कब उसका नंबर आएगा, ये उस उम्र की लड़की है जब सारे भाव जो हैं वो नगण्य हो जाते हैं और एक ही भाव बचता है, वो भाव होता है मोहब्बत का। वो लड़की जब दर्पण देखना शुरू कर देती है, वो लड़की जब दर्पण देख के इतराती है, वो लड़की जो किसी की मुस्कुराहट पे फिदा हो जाती है, वो लड़की जो याद करती है किसी को और याद करके बैठे बैठे मुस्कुराती है, वो लड़की जो खाली कागज पे बैठ के पेन से लकीरें खींचती है और उन लकीरों में उसका नाम पढ़ती है जिसका नाम मुंह से लेना नहीं चाहती, वो लड़की जिसके लबों पे हंसी होती है किसी के नाम की वजह से, यानी कि उस उम्र की मोहब्बत को लेके आ रही है अपूर्वा चतुर्वेदी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। नींद आती नहीं, आँख में ख्वाब है। अच्छा, नींद आती नहीं, आँख में ख्वाब है, एक लम्हा जो ठहरा वो नायाब है। शर्त है राह है चाह है पुरअसर, शर्त है राह है चाह है पुरअसर, शर्त है राह है चाह है पुरअसर, प्यास है और दरिया में सैलाब है। हाय हाय, क्या बात है। और ये भी सुनिएगा कि मुझे जब भी नकारा है किसी ने, मुझे जब भी नकारा है किसी ने, मुझे जब भी नकारा है किसी ने, दिया मुझको सहारा है किसी ने। और बहुत दिन बाद आंसू झर रहे हैं, बहुत दिन बाद आंसू झर रहे हैं, बहुत दिन बाद आंसू झर रहे हैं, मेरे सर को दुलारा है किसी ने। आए हाय, आए हाय, वाह वाह पूर्वा वाह। ये आबे दरिया क्यों बदला हुआ है, नदी का पानी आबे दरिया, ये आबे दरिया क्यों बदला हुआ है, यहाँ दरिया निहारा है किसी ने। आए हाय। और बहुत इतरा रही है एक लड़की, ये तो सबने नखरे उठाए होंगे कि बहुत इतरा रही है एक लड़की, क्या जुल्फों को सवारा है किसी ने। आए हाय, वाह वाह। और ये भी सुनिएगा कि जहाँ मेहमान में थी गिनती हमारी, जहाँ मेहमान में थी गिनती हमारी, जहाँ मेहमान में थी गिनती हमारी, कहाँ हमको हमारा है किसी ने। वाह। और जन्मदिन अब मनाते ही नहीं है, जन्मदिन अब मनाते ही नहीं है, मेरा सदका उतारा है किसी ने। हाय हाय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। क्या बात है, आहा, जब भी मुझे नकारा है किसी ने, दिया है मुझे सहारा किसी ने। वाह, नीली आंखें अंग्रेज होने की निशानी ही नहीं, आंख पे जोर से मुक्का मारा है किसी ने। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि ये तीन वो कवि हैं जो वाह भाई वाह के जो प्रथम 100 एपिसोड से हमने चुने, क्योंकि इन तीनों ने अपना एक अलग स्थान बनाया। और अपूर्वा तो बहुत नई है, उसे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे पास कभी शो से फोन आएगा, लेकिन फोन पहुंचा। वाई, और तुमने बहुत अच्छा पढ़ा अपूर्वा, और दीपक और गौरव आप तीनों ने कमाल कर दिया, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ वाह भाई वाह। और पढ़ते हैं आगे हमारे उस सेगमेंट की ओर जिसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है। अरे घोड़े पे दौड़ते हुए आए तायरा बानो जी हैं और संजय खान साहब हैं, क्या किसी के दिमाग में कुछ आता है? डाकू देखा है तो मैं तो चंबल का रहने वाला हूँ, तो मुझे चंबल नजर आ गया, याद आ गया सर जी। दृश्य ये हो सकता है कि ना प्यास की दम पे ना भूख की दम पे, ना तिजोरी की दम पे ना संदूक की दम पे, और डकैत की औलाद हूँ ये तू जान ले, तुझे दुल्हन बनाऊंगा बंदूक की दम पे। अरे
दृश्य देख के मुझे एक दृश्य याद आ गया। मैंने वो एक दृश्य देखा था किसी फिल्म में, फिल्म का नाम मैं भूल गया, लेकिन मैं बहुत हंसा वो देखने के बाद। वो हंसने वाला दृश्य था नहीं, हास्य का दृश्य नहीं था, लेकिन मुझे हंसी आई। और हंसी इसलिए आई कि मैंने इतना तहजीब वाला डाकू कभी नहीं देखा। इतना तहजीब वाला डाकू था, प्राण साहब थे। प्राण साहब दौड़ रहे थे घोड़े पे बैठ के, तकड़ तकड़ तकड़, और एक लड़की का पीछा कर रहे थे खेत में। वो बचाओ बचाओ करते हुए दौड़ रही थी, प्राण साहब तकड़ 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 पीछे। शायद फरीदा रहमान जी थी, मैं भूल गया, या शर्मिला टैगोर, मुझे याद नहीं बिल्कुल हीरोइन कौन थी, लेकिन प्राण साहब थे अच्छे से याद। इतनी तहजीब उस डाकू में कि लड़की का पीछा दौड़ते दौड़ते कर रहे हैं, और जब तकड़ 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 घोड़े से जब पास में आते हैं तो कहते हैं, दौड़ते दौड़ते थक गई होगी, घोड़े पे बैठ जाओ। लेकिन शब्दों की बेहद कमी है। महाराणा मेवाड़ और चैरिटेबल फाउंडेशन को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कि उन्होंने पूरे हफ्ते हमें शूटिंग करने की इजाजत दी, और हम ये मेवाड़ स्पेशल, दिवाली विशेष और ये उदयपुर विशेष आपके लिए लेके आए हैं। और यहाँ 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शेमारू टीवी पे हर रात महफिल सजेगी मेवाड़ स्पेशल, उदयपुर स्पेशल की। और खास आभार मेवाड़, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन और उनके ट्रस्टी श्री लक्ष्मण सिंह मेवाड़ का, जिन्होंने वाह भाई वाह के लिए ये पूरा पैलेस हमें सौंप दिया। जोरदार तालियां उनके लिए। कोई बात है हंसने हंसाने की, जिंदगी में हंसी तो आनी चाहिए, लेकिन कई बार हंसी दिक्कत की भी हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारा हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी जाए वो बेचारा करे क्या, सिस्टम में एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाता है। ये पार्थ नवीन अपने चाचा को लेकर सिंगापुर घूमने गए, पूरा परिवार साथ में था, है ना, चाचा थे मामा थे, अच्छा बनती है तुम्हारी उनसे, तो फिर कोई और ले लेते हैं। अच्छा इसकी तो मामा से भी नहीं पटती, बड़ी मुश्किल। चलिए, तो हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी जाए उसे दिक्कतें हो जाती है। मुकेश गौतम, हाथ जोड़ के क्यों बताया कि तुम हो? हाँ, क्योंकि पार्थ नवीन तो पहले बता चुका था कि तुम हो, और तुम दोनों में से तो मुकेश गौतम तुम ही हो सकते हो। तो मुकेश गौतम अपने चाचा को लेकर सिंगापुर गए, पूरा परिवार साथ में था। लेकिन कई बार विदेश की व्यवस्थाएं आपके लिए समस्या भी हो सकती है। अब ये बैठे हुए थे, चाचा जी को बिठा दिया खिड़की के पास, चाची पास में बैठ गई, ये पीछे मामा मामी सारे सारे लोग, पूरा परिवार सिंगापुर घूमने के लिए गए। अब सिंगापुर इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड कंट्री, बहुत अनुशासित देश। अब इनके चाचा की तबीयत खराब हुई और खिड़की से एकदम खून की उल्टियां, तो पीछे लड़की एक कार लेके आ रही थी लोकल, उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया, 2 मिनट में तो पुलिस वहां, एम्बुलेंस वहां, घेर लिया, तुरंत चाचा जी को स्ट्रेचर पे लिटाया, ऑक्सीजन मास्क लगाया, ले गए हॉस्पिटल, दवादम इलाज शुरू किया। मुकेश गौतम के लिए बिल आया $2,00,000 का। अब ये गया चाचा जी के कमरे में, शर्म करो थोड़ी, हिंदुस्तान नहीं है ये, गुटखा खा के बाहर थूकने की क्या जरूरत थी। खून की उल्टी, ये चीज ऐसी है ना, लेकिन आदमी इलाज तो निकाल ही लेता है। जैसे हमने पिछले दिनों कहा था, एक हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे डांट पड़ने का खतरा कभी नहीं होता, वो कितने ही गुस्से में क्यों ना आ जाएं, सिर्फ आंख से बताएंगे, लेकिन शब्द नहीं निकालेंगे मुंह से। तो गुटखा हो गया महंगा, अब महंगा हो गया तो मैंने कहा अब क्या करोगे, सेकेंड का पॉज लिया, उसके बाद बोले महंगा हो गया तो क्या करेंगे, आधा घंटा देर से थूकेंगे। हर व्यक्ति
व्यक्ति के पास अपना अपना इलाज है और तीन ऐसे चिकित्सक हमारे बीच में बैठे हैं जिनके पास इलाज है। दो लोग ऐसे हैं जो हंसी से ठहाकों से इलाज करते हैं इंसानी दिलों का, और शबीना अदीब है जो अपने शेर व शायरी से, अपनी गजलों से मोहब्बत में टूटे दिलों का इलाज करती हैं। इन तीनों का हम जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। और चूंकि मेवाड़ स्पेशल है तो मेवाड़ के हमारे प्रतापगढ़ के कविपाल रवि हमारे बीच में है, मुंबई से मुकेश गौतम है, शबीना अदीब कानपुर से। तो इन तीनों से मैं बुला रहा हूँ सबसे पहले उसे जिनका चाचा सिंगापुर में उल्टियां करके आए, मुकेश गौतम, जोरदार ताली से स्वागत। जैसे हर आदमी के जीवन में सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं, अच्छे बुरे सपने होते हैं, कुछ पराए कुछ अपने होते हैं, वैसे ही हर आदमी के दिल में बसी होती एक कविता है। और आदमी का असली प्रोफेशन क्या है यह उसकी कविता में झलकता है। वाह, आदमी का असली प्रोफेशन क्या है ये उसकी कविता में झलकता है। हमारे एक पुराने यार हैं, पुलिस में हैं मतलब थानेदार हैं। अच्छा, हमारे एक पुराने यार हैं, पुलिस में हैं मतलब थानेदार हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, हृदय से कवि हैं। थाने में जाते टाइम अपना रिवॉल्वर और डंडा भले ही भूल जाते हैं। अच्छा, अपनी कविताओं की डायरी कभी नहीं भूल पाते। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अपनी कविताओं की डायरी कभी नहीं भूल पाते हैं, अपराधियों को गालियां भी तरन्नुम में सुनाते हैं। बहुत अच्छे, अपराधियों को गालियां भी तरन्नुम में सुनाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, तरन्नुम में कैसे सुनाते होंगे? तेरी 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 तेरी। अच्छे अच्छे अपराधी इन्हें देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि पकड़े जाने पर कविता भी सुननी पड़ती है और सजा भी पाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये थानेदार साहब एक दिन थाने में बैठकर अपने हवलदारों को कविताएं सुना रहे थे। अच्छा, हवलदारों की समझ में नहीं आ रही थी, पर साहब थे ना इसलिए वंस मोर किए जा रहे थे। बहुत अच्छे। थानेदार साहब की कविताएं सुनकर हवालात में बैठे हुए एक कैदी ने दाद दी और वाह वाह बोल दी। थानेदार साहब ने खुश होकर उसकी हथकड़ी खोल दी। हमारे एक रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारी हैं, उन्हें कविताओं की भयंकर बीमारी है। हर आयोजक संयोजक उनसे परेशान है, जो भी उन्हें बुलाता है पछताता है, ये पता नहीं अपनी कौन सी परंपरा को निभाता है। कवि सम्मेलन खत्म होने के 4 घंटे बाद ही पहुंच पाता है। क्या बात है, वाह। कविताएं तो आजकल पता नहीं कोई भी कर रहा है, चौक पर बैठा हुआ सब्जी वाला भी कविताओं के पीछे मर रहा है। खुद को शहर का सबसे वरिष्ठ कवि बताता है, आलू प्याज खरीदने वालों को 2 गजल मुफ्त में सुनाता है। कमाल ये है कि पिछले 20 साल से वही 2 गजलें सुनाता है। वाह, और उन्हें भी एकदम फ्रेश बताता है। क्या बात है, वाह। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर वो मुझे बहुत सताते हैं, शिकायत यही है कि शैलेश भाई वाह भाई वाह में नहीं बुलाते हैं। क्या बात है। एक दिन करवा लो उनसे कविताई, शैलेश जी बोले भाई साहब ये कविताओं के नाम पर बहुत पकाता है, हमारा तो एपिसोड ही आधे घंटे का है, ये तो फुल स्टॉप ही 45 मिनट बाद लगाता है। तो भाई साहब कविता क्या है, कविता तो एक सद्विचार है, हमारे आपके बीच का प्यार है, बड़ों का स्नेह है, दुलार है। कविता कवि की आत्मा है, भाषा का वंदन है। कविता के इस मंच पर आप सबका अभिनंदन है। हम आपको और ज्यादा बोर नहीं करेंगे, हम आपको और ज्यादा बोर नहीं करेंगे। बड़े बड़े कवि बैठे हैं, उनकी कविताओं का आनंद लीजिए। मेरी कविताएं खत्म हो गई, ताली बजा दीजिए। वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा तुमने। आदमी का जो प्रोफेशन होता है वो उसी तरीके से व्यवहार करता है, बिहेव करता है। मेरा अनुज कवि है गोविंद राठी, वो एक कविता सुनाता है। वो कहता है कि भाई साहब एक बार एक सब्जी वाले की शादी हुई, वैसे सुनाता है। एक सब्जी वाले की शादी हुई, और जब सब्जी वाले की शादी हुई तो जाते ही उसने कमरे में अपनी आदत के अनुसार बीवी में पानी छिड़का। बोले क्या कर रहे हो, ऐसे सुहागरात कैसे कटेगी? बोले इस पानी से सुबह तक ताजा रहोगी। ये देखिए आदमी जो है अपने व्यवहार के अनुसार ऐसा काम करता है। और जैसा तुम कह रहे थे कि हाँ कुछ भी सुना देते हैं समझ में नहीं आता, वैसे एक मैं कवि सम्मेलन संचालन कर रहा था, एक सज्जन आया, उन्होंने कविता शुरू की थी। हुजूर अर्ज किया है डिब्बा, मेरी कविता का शीर्षक है डिब्बा। लगा कोई स्वच्छता की बात कर रहा होगा, लेकिन शुरू हुआ डिब्बा डिब्बे पे डिब्बा।
उस पे एक और डिब्बा, डिब्बा उस पे डिब्बा। मैंने कहा वाह 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 क्या बात है। एक खड़ा हो गया, बोले आपको ज्यादा समझ में आ रही है क्या? और जिंदगी में बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी है। जिंदगी में गम हो, दुख हो, परेशानियां हो, और जब चारों तरफ से निराशाएं आप पर हमला कर रही हो, उस वक्त ये कविताएं हैं जो आपकी और हंसी के बीच के बैलेंस का काम करती है। और आज कितनी खूबसूरत बात है, मैं महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनके ट्रस्टी श्री लक्षराज सिंह मेवाड़ का, जिन्होंने 450 साल पुराना सिटी पैलेस हिंदी कविता के संवर्धन के लिए, वाह भाई वाह के लिए, इस तरह से खोल दिया कि आप आइए और यहाँ कविताएं कीजिए। इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैं अगले कवि को बुलाऊं, उसके पहले हम उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और मेवाड़ की इस धरती पर मेवाड़ के ही प्रतापगढ़ के पार्थ नवीन को बुलाना चाहता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पार्थ नवीन का। पार्थ नवीन अभी 4 दिन पहले ही बैंकॉक से अपनी यात्रा पूरी करके लौटे हैं। पूरे गांव ने इनका ढोल बजा के स्वागत किया और गांव में कम से कम काफी जगह इनके सम्मान समारोह हुए, क्योंकि ये पहली बार बैंकॉक कविता पढ़ने गए थे। आप सभी को प्रणाम। शौर्य और स्वाभिमान की भूमि मेवाड़ को मैं प्रणाम करता हूं शिमारू टीवी के माध्यम से। और आपने बताया, शैलेश जी ने बताया कि मैं बैंकॉक जाकर के आया हूं और मेरा ढोल नगाड़ों से सम्मान हुआ है। मेरा ढोल नगाड़ों से सम्मान इसलिए नहीं हुआ कि मैं बैंकॉक जाकर के आया हूं, मेरा सम्मान इसलिए हुआ है क्योंकि मैं आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी के साथ में कविता पढ़ने के लिए बैंकॉक गया था। ये सम्मान आपका है, प्रणाम करता हूँ आपका, बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक वादा, ये वादा होता है और ये वादा नेताओं वाला नहीं है। मैं नेताओं का वादा कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ, सुनाइए। फालतू की बात पे जवान लगते रहे हैं, काम वाली बात पे बुढ़ापा लगे नेताजी। फालतू की बात पे जवान लगते रहे हैं, काम वाली बात पे बुढ़ापा लगे नेताजी। करने लगे डिबेट न्यूज चैनल पे जब, करने लगे डिबेट न्यूज चैनल पे जब, तब मुझे शुद्ध मुर्खियापा लगे नेताजी। तब मुझे मुर्खियापा लगे नेताजी। वोट पाने के लिए रोने लगे जो मंच पर, वोट पाने के लिए रोने लगे जो मंच पर, तब जीता जागता सियापा लगे नेताजी। वादा याद दिलाया तो ही कर हंस दिए, तब मुझे रिंकिया के पापा लगे नेताजी। तब मुझे रिंकिया के पापा लगे नेताजी। ये ऐसा वादा है। हालांकि प्रेम प्यार की स्थिति और शादी के बाद क्या हालात हो जाते हैं इस देश में, एक छंद सुनाता हूँ जी। क्या है? वादा निभाया नहीं। एक गीत सुनाता हूँ, आनंद ये है इसका कि इसमें कुछ ढूंढा है, कुछ गायब हुआ है। क्या गायब हुआ है वो आपको बता दे। वादा निभाया नहीं, वादा निभाया नहीं, चेहरा दिखाया नहीं। वादा निभाया नहीं, चेहरा दिखाया नहीं, मुझसे रिचार्ज करा कर फोन उठाया नहीं। मुझसे रिचार्ज करा कर फोन उठाया नहीं। फिरा फिरा के पुर हुई वो फिरनी गायब है, फिरा फिरा के पुर हुई वो फिरनी गायब है, मुझको गधा बना करके वो हिरनी गायब है। मुझे बेतरनी गायब है, मुझको गधा बना करके वो हिरनी गायब है, हिरनी गायब है, मुझको गधा बना करके वो हिरनी गायब है। जिसको देख बजाई सीटी, करता रहा मैं स्वीटी स्वीटी, करता रहा मैं स्वीटी स्वीट, बुझा गई चूल्हा अंगीठी करके बातें मीठी मीठी, बुझा गई चूल्हा अंगीठी करके बातें मीठी मीठी। देकर धोखा वो अचार की बरनी गायब है, देकर धोखा वो अचार की बरनी गायब है, मुझको गधा बना करके वो हिरनी गायब है, हिरनी गायब है, मुझको गधा बना करके वो हिरनी गायब है। वादा निभाया, क्या बात है, अरे वाह।
सबसे पहले वही खड़े हुए जिनकी हिरनिया गायब हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो कौन है, लेकिन बन गए बेचारे, क्योंकि लड़कियां तो लड़कियां होती हैं। तुम जब गा रहे थे मुझे अचानक याद आ गया कि लड़की रात को सपना देख रही है कि उसको राजकुमार घोड़े पे ले जा रहा है। लेकिन लड़के भी कम तो नहीं होते ना, तो राजकुमार घोड़े पे ले जा रहा था सपने में, तो लड़की ने पूछ लिया, अरे राजकुमार तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले मुझे क्या मालूम, सपना तो तू देख रही है। तो जिंदगी में सपने ऐसे देखिए जो पूरे हो जाएंगे। और अब जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूं उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं है। वो एक ऐसी अदीब है जिनके पास कमाल के शेर हैं, उर्दू अदब में उनका बहुत बड़ा नाम है, हिंदी कवि सम्मेलन का एक जाना माना नाम है, और मैं खुद ज़ाती तौर पर उन्हें बड़ा पसंद करता हूं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मैंने उनका एक शेर कोट किया था जो कई लोगों की खबरें बन गई कि शैलेश लोढ़ा ने ये शेर आखिर क्यों कोट किया है। उसे राज रहने देते हैं, बुलाते हैं शबीना अदीब को जोरदार तालियों के साथ। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए इस मौके पर सिटी पैलेस की इस खूबसूरत महफिल में मैं चाहती हूँ शैलेश जी आपका आदेश जी और मेरे लिए अध्यादेश कि मैं एक गजल आपको सुनाऊं, और गजल को कैसे सुना जाता है ये आप मुझे तालियों से आदेशित करें, इजाजत दें ताकि वो खूबसूरत माहौल मिले मुझे। लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। चाहत बना दूं अगर तुम कहो लौट आओ। सुने के क्या कहा ये, क्या कहा ये, अंधेरे न मिट पाएंगे, क्या कहा रोशनी अब न हो पाएगी, क्या कहा ये अंधेरे न मिट पाएंगे, लौट आओ। एक शेर सुनाती हूँ,
खुद को भी तो जरा एक नजर देख लो, दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी तो जरा एक नजर देख लो, अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे, अपने भी जिसमें तुम्हारी जफाओं का है बेवफाई, जिक्र जिसमें तुम्हारी जफाओं का है वो गजल भी सुना दूं अगर तुम कहो, जिक्र जिसमें तुम्हारी जफाओं का है वो गजल भी सुना दूं अगर तुम कहो, लौट आओ भुला कर खताएं मेरी। क्या बात है, वाह वाह शमिला जी, वाह। अब शमिला आप हमारे कहने से दो शेर सुना दीजिए, दो शेर मुझे बड़े पसंद है। आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश, और एक कवित्री के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि शैलेश सर उसको एक गजल की फरमाइश करें, हुक्म दें, आदेश दें और उस आदेश का पालन हो, तो एक बार जोरदार तालियां और मुझे हौसला दें, सुने। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई लब है। और जिस शेर के लिए मुझे जी आपने हुक्म दिया है मैं वो शेर सुनाती हूँ, आदेश का पालन करती हूँ। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, ये है खानदानी। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते खामोश लब है। और एक शेर हमारे मंच का, जरा सा कुदरत ने, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, पहली पंक्ति पहली लाइन। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी खामोश लब है। और जाते जाते एक शेर, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमें
सब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। बात क्या बात, क्या बात है। यह है गजल की ताकत, यह है कविता की ताकत, यह शेर की ताकत, अल्फाज की ताकत, यह है काफिये की ताकत। क्या बात है। मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, और हम सब खड़े हैं एक ऐतिहासिक स्थान पे। यकीन मानिए, ये वो जगह है जहां पे किसी भी टेलीविजन शो की कल्पना नहीं की जा सकती। एक ऐसा स्थान जो आज से पहले इंडियन टेलीविजन पे किसी शो में नहीं दिखाया गया। और ये वाह भाई वाह, देखिए आप, हम खड़े हैं आज 450 साल पुराने सिटी पैलेस उदयपुर के जरारा महल में। दिवाली से प्रारंभ किया है मेवाड़ स्पेशल, ये जो हफ्ता चल रहा है उदयपुर की धरती पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन और उनके ट्रस्टी श्री लक्षा सिंह मेवाड़ का, जिन्होंने हमें यहाँ हिंदी कविता के संरक्षण के लिए, हिंदी कविता के शो के लिए, हिंदी कविता की बातचीत करने के लिए और हिंदी कविता का संवर्धन करने के लिए कहा कि आप यहाँ आइए और इस आंगन में एक ऐसा शो बनाइए कि लोग कह उठें वाह भाई वाह। मेवाड़ की इस पावन धरती पे इस पूरे हफ्ते जो दिवाली का हफ्ता चल रहा है, हम लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, ठहाके लगाएंगे। और हमारे साथ हमारे तीन साथी हैं, और ये तीनों साथी कहां देख रहे हो विनोद पाल? तुम्हारी उम्र और तुम्हारा डील डॉल दोनों ही लड़कियां देखने लायक नहीं रहा, तो तुम यही ध्यान दो तो बेहतर है। हमने इस हफ्ते में ये कोशिश की कि हम उन लोगों को बुलाएं जो लोग हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर तक कविता पढ़ रहे हैं, वो जो हमारे स्थापित लोग हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन उन लोगों को बुलाएं जिन्होंने वाह भाई वाह के पहले 100 एपिसोड्स में एक अलग स्थान बनाया और सारी दुनिया में छा गए। उनमें से तीन लोग हमारे बीच में बैठे हैं, ये हैं विनोद पाल दिल्ली के, और मेवाड़ में ही कांकरोली के सुनील व्यास हमारे बीच में, हम उनका स्वागत करते हैं, और भोपाल के दीपक शुक्ला धनाधन, ये तीनों हमारे बीच में आज सेलो प्रेजेंट। वाह भाई वाह। तो क्या कहती है जनता, कहां से शुरुआत की जाए बताइए? धनाधन सर से। क्यों? क्योंकि वो धनाधन शायरी या धनाधन कविताएं पढ़ते हैं तो धनाधन मजा आता है फिर। और जब धनाधन मजा आता है तो धनाधन तालियां बजती है कि नहीं बजती है? धनाधन तालियां भी बजती है और धनाधन हंसी आती है। आज की पीढ़ी की समस्या ये है, बड़ी धनाधन पीढ़ी है ये। धनाधन सुबह दोस्ती हुई, सोशल मीडिया पे मैसेज किया, दोपहर में कॉफी पीने के लिए मिले, शाम को अब तू मेरा नहीं मैं तेरी नहीं, चल किसी और की तलाश में निकल जाते हैं। इतने धनाधन क्यों है भैया? जिंदगी में थोड़ा सा ठहराव लाइए, और ठहराव के लिए मैं बुलाना चाहता हूं उसे जो काफी ठहर सा गया है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें विनोद पाल का, जोरदार तालियों के साथ। मैं दिल्ली से आया हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। भाई साहब बता रहे थे कि मेरी लड़कियों को देखने की उम्र नहीं है, पर जब उम्र थी तो वो धोखा दे के चली गई मुझे। रो मत बस विनोद, निकल जाएंगे प्ले की। नहीं 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 मेरा भाई नहीं, बस आगे पलकों तक आगे, बस नहीं 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 बस निकलने में। नहीं नहीं ना, रो मत विनोद। रोमत बेटा रोमत, इस बात के लिए ताली बजा कि जिसके साथ निकली है उसका क्या हाल हो रहा होगा। मैंने तो उसको बोला भी कि तुम जो आंखें चुराने लग गई हो, क्या किसी और से दिल लगाने लग गई हो? कि तुम जो आंखें चुराने लग गई हो, क्या किसी और से दिल लगाने लग गई हो? और तुम्हारी सांसों से सांसों से
कि तुम जो आंखें चुराने लग गई हो, क्या किसी और से दिल लगाने लग गई हो, और तुम्हारी सांसों से थूक भी आता है कि तुम्हारी सांसों से थूक भी आता है, अब तो तुम गुटखा चबाने लग गए। और अच्छे, मैंने उसको बोला कि तू तो मेरी जिंदा, मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है, करीना है, कैटरीना है, मैं गदर का सन्नी देओल हूं, तू मेरी सकीना है। अरे माना तू अपने बाप की मुनिया है। मैंने बोला कि तू मेरी जिंदा, मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है, करीना है, कैटरीना है, मैं गदर का सन्नी देओल हूं, तू मेरी सकीना है। माना तू अपने बाप की मुनिया है, पर मेरी तो पूरी दुनिया है। पर फिर भी तू मेरा दिल तोड़ के जा रही है, आज इन सबके बीच में मुझे छोड़ के जा रही है। कि तू खफा हो मैं मनाऊं, मैं मनाऊं तू खफा हो, मुझसे नहीं होगा, चल दफा हो। नहीं होगा आंटी जी, आप पास में थप्पड़ मार दोगी, इसे थप्पड़ मार दो इसे, चल 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 दफा हो। एक जाते जाते मेरा काम कर जा, हाँ। मेवाड़ एक्सप्रेस निकलने वाली, उसके नीचे जाके मर जा। ये खिला दे वो पिला दे, ये दिला दे वो दिला दे, मुझे आज तक तेरी एक बात पे ये खिला दे वो खिला दे, ये पिला दे वो दिला दे, मुझे आज तक तेरी एक बात पे बहुत ज्यादा। तुम्हें क्या लग रहा है भूल गया हूं मैं? अबे दिल टूटा हो तो पता चले तुम्हें, ये दिल के एहसास एकदम से नहीं निकलते। नहीं नहीं, नहीं। कि ये दिला दे वो दिला दे, ये पिला दे वो खिला दे, और तेरी एक बात मुझे आज तक अखरती है, ये तेरी कौन सी बुआ है जो रात के 3 बजे तक तुझसे बात करता है? बॉयफ्रेंड को लूटने की एक लिमिट होती है, ये बात तेरी समझ में नहीं आती है कि बॉयफ्रेंड को लूटने की एक लिमिट होती है, ये बात तेरी समझ में नहीं आती है? अरे मोबाइल के रिचार्ज तक तो ठीक था, तू तो टीवियों के रिचार्ज भी करवाती है। और शॉपिंग के दौरान तेरी एक आदत से मेरा सब्र खोता है, इस रंग में दूसरा डिजाइन, इस डिजाइन में दूसरा रंग, इसका क्या मतलब होता है? सही बात है। तेरे इन सब खर्चों से मेरा अकाउंट सफा हो, भाई मुझसे नहीं होगा, चल दफा हो। दफा हो। भाई साहब माइक खींच के मार सकता हूँ क्या? नहीं रहने दे, क्योंकि टांग टूटने का यहाँ कोई इलाज नहीं। अपनी ख्वाहिश से बता रही थी, ख्वाहिश से सुनो इसकी। करी नेता का रिश्तेदार नहीं तू, करता भ्रष्टाचार नहीं तू, पास तेरे कार नहीं है, ढंग का कारोबार नहीं है, कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है और कंपनी का लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं है। सर से लेके पांव तक मुझको लकवा मार गया, एक मॉडर्न होकर मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। अब तो जिस भी मंच पर जाता हूँ बस यही 4 पंक्तियां गुनगुनाता हूँ कि जमीन पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही समस्याओं की जड़ है कुवारो, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो, क्यों अपनी मौत का सामान। और तेरे जैसी लड़की मेरी जिंदगी का फलसफा हो, दफा। ये तुम्हारे जैसे जो है ना टुन्ना टाशिक जो है ना, यही ऐसी तैसी कराते हैं, इसीलिए किसी ने ये शेर कहा सड़क छाप मुझे कि जब आशिक का जनाजा माशूक की गली से निकला, हाँ जब आशिक का जनाजा, ऐसे ही देख लो, ये खिला दो वो खिला दो, ये दिला दो, ये कर दो वो कर दो, जब आशिक का जनाजा माशूक की गली से निकला तो माशूक की माँ बोली इसी बहाने एक चक्कर और लगा गया कमीना।
ये इन्हीं लोगों ने जमाना बिगाड़ रखा है। लेकिन हम खड़े हैं ऐसी ऐतिहासिक जगह पे। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ने हमें ये कहा कि आप वाह भाई वाह का एपिसोड करें, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और बुलाते हैं मेवाड़ के एक ऐसे कवि को सुनील व्यास, जिसने अपने हास्य से अलग पहचान बनाई है। कहां करो लेकर सुनील व्यास, जोरदार तालियों से स्वागत है। मैं मेवाड़ की इस पुण्य धारा को प्रणाम करता हूँ। मैं मेवाड़ी हूँ, बहुत भोला आदमी, मेवाड़ी भोले होते हैं। भाई साहब मैं तो स्कूल भी दो ही काम के लिए जाता था, रोटी खाने और मार खाने। मार टीचर से खाते थे या लड़कियों से? नहीं भाई साहब, वो रोटी दूसरों की खाले था इसलिए मार खाते। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सुनील भाई साहब दसवीं तक हाफ पैंट में गया था मैं। अच्छा। हाँ, मैंने मम्मी से कहा मैं हाफ पैंट में नहीं जाऊंगा, फुल पैंट में जाओ। मार साहब उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं बच्चा समझ के, बोले जा बेटा बड़े भाई का पहन ले। बड़े भाई मुझसे उम्र में बड़े थे, हाइट में छोटे थे, उनका फुल पैंट मेरे आता नहीं था। बाजार जाया, फुल पैंट लेके आया, वो फुल पैंट क्यों ज्यादा ही फुल पैंट हो गया था, 6 इंच लंबा निकल गया। मैंने कहा मम्मी इतना फुल पैंट कैसे पहनूंगा, रो धो के सो गया। माँ तो माँ होती है, ले आई बेचारी कैंची लेके आई, 6 इंच नापे और काट लिया। शाम को बहन आई ट्यूशन से, बहन तो बहन होती, उसको भी दया आई, कैंची ली, 6 इंच नापा और काट दिया। आप ताली बजा रहे हो। शाम को भाई आया ऑफिस से, भाई तो भाई होता, उसको भी दया आई, 6 इंच नापा, कैंची ली और काट दिया। ए क्या सुबह जब मैंने वो पहना ना फुल पैंट, तो रूटीन का जो हाफ पैंट था उससे भी छोटा निकला वो फुल पैंट। मैं तो ये पंक्तियां जब सुनील व्यास सुबह सुना रहा था एक बार कैमरे के सामने, तो अति संवेदनशील, अति भावुक, अति उत्साही कवि वहां बैठा हुआ था, और उसने कविता की पंक्तियों को सुनने का कहा कि मतलब सुनील व्यास तू तो बच्चा था और बच्चा ही रह गया, और फुल पैंट की तलाश में निकला था और तेरा तो कच्चा ही रह गया। आप तो सब जानते हो वैसा घर की बात, और आप तो ये भी जानते हो वैसा, ये न्यूज चैनल वाले होते ना जी, हाफ पेंट का फुल पेंट बना देते हैं। अरे पूछो मत, क्या न्यूज दिखाता है भाई साहब बताओ। ये अभी देखिए, हमारे अभी पता लगा है ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई के मंत्रालय की चौथी मंजिल पर आग लगी हुई। हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जिन्होंने अभी अभी टीवी चैनल ऑन किया है उन्हें बता देना चाहते हैं कि ये चौथी मंजिल है मंत्रालय की, इसकी उस पर आग लगी है। ये मुंबई की चौथी मंजिल, इसके ऊपर आग लगी है। ये जो आप देख रहे हैं लपटे, ये आग के लपटे है। ये जो धुआं निकल रहा है ये आग का धुआं है। बता देना चाहते हैं कि मुंबई की चौथी मंजिल पर आग लगी है, इस मंत्रालय की चौथी मंजिल पर आग लगी है। ये जो मंत्रालय, ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मंत्रालय की बिल्डिंग है, ये बम्बई की बिल्डिंग है, और यहाँ जो ऊपर आग लग रही है वो आग की आग है। ये जो आप देख रहे हैं काला धुआं, ये आग का धुआं है। ये खिड़की में से जो धुआं निकल रहा है आग का धुआं है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मुंबई की मंत्रालय की चौथी मंजिल पर आग लगी हुई है। ये जो आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो चौथी मंजिल है उस पर आग लगी हुई है, जो धुआं निकल रहा है उस पर आग लगी हुई है। ये धुआं जो है वो आग का धुआं है। हम हमारे दर्शकों को फिर से बता देना चाहते हैं कि मुंबई, हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, हमने पैनल बुलाया हुआ है, लेकिन हम अपने संवाददाता जो घटना स्थल पर पहुंचे उनसे बात करते हैं। हेलो सौरभ। हेलो। हाँ बोलो। हेलो सौरभ। शायद हमारी आवाज सौरभ तक नहीं पहुंच पा रही है। पहुंच रही है, बोलो। सौरभ आप कब पहुंच गए वहां पर? मैं तभी पहुंचा जब ये आग लगी थी, चौथी मंजिल पे आग लगी, और आग को आग बोलते हैं, आग को अग्नि भी बोला जाता है, अग्नि में से लपटे निकलती है, और चौथी मंजिल पे से जो लपटे निकल रही है ये लपटे बाहर तक आ रही है, लपटे धुआं फैला रही है। कई लोगों को लग रहा था कि रोशनी, लेकिन आग, हम हमारे दर्शकों को बता देना चाहते हैं चौथी मंजिल पे आग लगी है, और ये तीसरी मंजिल पे भी लग सकती थी, ये पांचवी मंजिल पे भी लग सकती थी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे आप ए और बी में मुझे आंसर कीजिए, ये आग चौथी मंजिल पे ही क्यों लगी? सौरभ मुख्य एंकर को हूट करने के मूड में आ गया। आप आग के समय पहुंच गए थे, हमने आपसे पहले कहा था आग लगने के आधा घंटे पहले पहुंचिए। मैं पहुंचा तभी तो आग लगी। देखा हमारे न्यूज चैनल वाले संवाद है, ये सबसे तेज न्यूज चैनल है जो इतना एक्सपर्ट है। हम आग लगने के पहले ही पहुंच जाते। आप देख रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको मंत्रालय की बिल्डिंग है, इसकी चौथी मंजिल पर आग लगी हुई है। ये जो देख रहे हैं आप खिड़की से धुआं निकल रहा है, ये आग का धुआं है, और ये जो लगी हुई है आग लगी हुई, इसको आग कहते हैं। अरे सौरभ किसी नेताजी से बात हुई, बोले एक निकले तो है उनका मुंह काला है, पता नहीं लग रहा कौन से चैनल का, अपने चैनल का या दूसरे चैनल का। नेताजी नमस्कार, ये आग कैसे लगी? बोले चकास। नहीं मतलब कैसे लगी? एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। हमारा मतलब आग कैसे लगी, तेरे को बोला ना समझ में नहीं आता है क्या? एकदम मस्त लग रही है आग। मतलब कैसे लगी? अरे बोला ना मस्त लगी, और राम गोपाल वर्मा को बोलो आग इसको बनाते हैं। वाह वाह। आग में कुछ धन हानि तो नहीं हुई?
जनहानि धनहानि कुछ माल की हानि, बोले नहीं लगती तो हो जाती। क्या बात है, क्या बात है सुनील, बहुत बढ़िया। हम आपको बताना चाहते हैं ये जो बिल्डिंग दिख रही है तभी एक आता है, ये मंत्रालय की 3 मंजिल ही है, चौथी मंजिल पे कहाँ से आग बता रहा है तुम? ये मंत्रालय की 4th मंजिल पर आग लगी हुई है। तब मैं 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सलीके से इबादत सिखाइए, अपने बच्चों को सलीके से मोहब्बत सिखाइए, नफरत तो ये न्यूज चैनल देख कर सीख जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह। तो ये थे सुनील व्यास हमारे चैनल पे पहली बार। सुनील व्यास कविता पढ़ रहे थे, कविता पढ़ने के बाद बैठे उस लड़के के पास जो लड़का सब कुछ खो चुका है अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश में। उसके बाईं ओर बैठे हैं विनोद पाल जो गर्लफ्रेंड की तलाश में गली गली घूमते हैं, निकलते हैं, लेकिन सबको यही कहते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। हर लड़की इनसे कहती है दफा हो। और दाईं ओर बैठे हैं दीपक शुक्ला दनादन, तीनों ही कवि आज यहाँ पे कविता पढ़ने के मूड में आए हैं और पहली बार हम यहाँ पे कर रहे हैं उदयपुर में मेवाड़ के अंदर सिटी पैलेस में, जो 450 साल पुराना है, और सिटी पैलेस के MMCF जो महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन ने हमें इजाजत दी है यहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए। कार्यक्रम करते हुए बड़ा प्रसन्न है, बहुत खुश है, बहुत अभिभूत है, और हमारी प्रसन्नता का कोई पारवार नहीं है। ये पूरा हफ्ता जो मेवाड़ स्पेशल है, उदयपुर स्पेशल है, दिवाली स्पेशल है, और हमें बड़ी खुशी है कि हम वाह भाई वाह को एक ऐसे स्थान पे आप सबके समक्ष लेके आए हैं, आपके बीच लेके आए हैं, जो अनुपम है, अद्भुत है, अद्वितीय है। एक ऐसा स्थान, इतना खूबसूरत शहर, इतना ऐतिहासिक शहर, इतना शौर्य और पराक्रम की धरती का शहर, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उदयपुर देखना नहीं चाहता हो, उदयपुर आना नहीं चाहता हो। और उदयपुर आए तो उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो इस सिटी पैलेस में ना हो। और इस सिटी पैलेस के जनाना महल में आज हिंदुस्तानी टेलीविजन का पहली बार एक शूट हो रहा है उस शो का जो हिंदी कविता है। और ये सबसे बड़ी बात है, मैं धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करना चाहता हूँ महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का कि वो कविता को संरक्षित कर रहे हैं, वो कला को पोषित कर रहे हैं, और ये बेहद आवश्यक है। इस धरा पे फुगड़ कार्यक्रम नहीं है, इस धरा पे अश्लीलता नहीं है, इस धरा पे वो कार्यक्रम है जो संस्कृति की बात करता है, जो भाषा की बात करता है, जो संस्कारों की बात करता है। और आइए बढ़ते हैं आगे, और मैं बुलाता हूँ दीपक शुक्ला दनादन को, जोरदार ताली के साथ। मेवाड़ की इस धरा को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जमाने की बात चल रही थी तो एक जमाना था जब लड़के लड़कियां बड़े सीधे हुआ करते थे जी, लेकिन आज के जमाने में लड़के लड़कियां दो तरह के चरित्र निभाते हैं। अच्छा, पहले मैं लड़कियों की बात करता हूँ। करो। गोबर समान बॉयफ्रेंड को बुलाए सोना। अच्छा, सोना 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 भी नहीं दीपक, सोना। गोबर समान बॉयफ्रेंड को बुलाए सोना, अले अले मेला बेबी बोल के खिलाएंगे। गोबर समान बॉयफ्रेंड को बुलाए सोना, अले अले मेला बेबी बोल के खिलाएंगी। लड़कों से लाड़ में ये चॉकलेट मांगती हैं, घर में तो संतरे की गोलियां चमाएंगी। जुल्फों से अपनी अदाओं को दिखाने वाली जुए वाली खोपड़ी को जोर से खोजाएंगी। जुल्फों से अपनी अदाओं को दिखाने वाली जुए वाली खोपड़ी को जोर से दिखाएंगी। प्रेमी बोले पगली तो प्यार से लजाएंगी, ये भाई गधी बोल दे तो गालियां सुनाएंगी। बहुत बढ़िया। और लड़कों की क्या स्थिति हो गई? वो तीखी पाल जैसी। हाँ, तीखी तीखी मिर्ची को भोली भाली बोलते हैं, बेसुरी को कोयली या प्यार से बुलाएंगे। तीखी तीखी मिर्ची को भोली भाली बोलते हैं, बेसुरी को कोयली या प्यार से बुलाएंगे। घर में भले ही बाप गालियां सुनाए, इन्हें प्रेमिका को कूल बॉय बन के दिखाएंगे। तो लड़की जरा सा खांस दे जो बात करते में, जानू क्या हुआ है बोलकर घबराएंगे। लड़की जरा सा खांस दे जो बात करते में, जानू क्या हुआ है बोलकर घबराएंगे। प्रेमिका के सामने तो बड़ी बड़ी हाँकते हैं, दोस्तों से गुटका ये मांग के ही खाएंगे। हाय हाय, वाह वाह, बहुत अच्छे। और सर अभी दीपावली निकली जी, दीपावली पे सब लोग खुश होते हैं लेकिन कुछ महिलाएं बड़ी दुखी होती हैं। मेरी पड़ोसन बड़ी दुखी, मैंने उससे पूछ लिया, पड़ोसन क्या बात है बड़ी दुखी दिख रही हो? तो पड़ोसन ने मुझे जवाब दिया,
चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रही हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। कर के जुगाड़ पाई खुशियाँ पा रहे हैं, सब बेड लक यार के सभी पर आई हो गई। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रही हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। कर के जुगाड़ पाई खुशियाँ पा रहे हैं, सब बेड लक यार के सभी पर आई हो गई। हाथ से बना बना के चाय थी पिलाई जिसे, हाथ से बना बना के चाय थी पिलाई जिसे, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। अरे हाथ से बना बना के चाय थी पिलाई जिसे, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। दीपावली के ही समय छोड़ के चली गई वो, बेवफा क्यों मेरी काम वाली भाई हो गई। और कई कवि अपने गाने से बाज नहीं आते, घर में भी नहीं छोड़ते, फिर क्या होता है? एक कवि प्रेम गीत गा रहा था घर में ही, प्रेम ही सुपाड़ी और प्रेम ही तो पान है। एक कवि प्रेम गीत गा रहा था घर में ही, प्रेम ही सुपाड़ी और प्रेम ही तो पान है। प्रेम ही तो पिज्जा और प्रेम ही तो चाउमीन, प्रेम ही दुकान और प्रेम ही मकान है। तो प्रेम के विरोध में जो चीखता पुकारता है, मेरी नजरों में वो तो गधे के समान है। प्रेम के विरोध में जो चीखता पुकारता है, मेरी नजरों में वो तो गधे के समान है। पापा बोले रेंकना जो बंद ना किया ये तूने, प्रेम बाप से भी पिटने का प्रेम में विधान है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा दीपक, बहुत अच्छा दीपक। क्या कहूं दोस्तों, ये खूबसूरत जगह, ये खूबसूरत माहौल, हम लोग बड़े आभारी हैं MMCF यानी कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के सिटी पैलेस के जनाना महल में आज हम वाह भाई वाह ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये धूप खिली है, ये पेड़, ये शौर्य, ये पराक्रम, ये मोहब्बत, ये प्यार शायद इसी धरा में हो सकता है। हमारे तमाम कवि जाते आते सिर्फ यही कह सकता हूं, एक शायर के दो शेर मुझे याद आते हैं कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबें हटा कर देखो। धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबें हटा कर देखो, और फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, चांद जब चमके हाथ बढ़ा कर देखो। वाह भाई वाह।